एबीडी भाई के रिटायरमेंट के बाद हर कोई टेंशन में था कि अब 360 शॉट्स कौन मारेगा और उनकी जैसी बैटिंग कौन करेगा, लेकिन फाइनली हमें हमारा आंसर मिल चुका है और वो है सूर्य कुमार यादव। भाई आप बेशक से सूर्य भाई के फैन हो या ना हो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, सूर्य भाई की बैटिंग देखने में मजा बड़ा आता है। सूर्य भाई को देखकर आज तक कभी नहीं लगा कि भाई ये बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, चाहे एक रन बनाए या फिर 50 रन। नॉर्मली प्लेयर की एवरेज अच्छी होती है या फिर स्ट्राइक रेट, लेकिन सूर्य भाई एक ऐसे खिलाड़ी है जिनकी एवरेज माशाल्लाह तो स्ट्राइक रेट सुहानल्लाह। फिर अपना काम खल्लास। रोहित पाजी ने क्या स्टाइल में कैप्टनसी करी है भाई, अभी 3 सीरीज हुई है और तीनों की तीनों क्लीन स्वीप और इंडिया को बना दिया है नंबर 1 T20 टीम। जिस प्लेयर को हम काफी टाइम से ढूंढ रहे थे, फाइनली वो प्लेयर हमें मिली गया, न्यू फिनिशर, न्यू ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर। स्वागत तो करो हमारा। और लोग भी बड़े हरामी है भाई, जैसे जैसे वैंकी भाई छक्के मार रहे थे, विकेट्स ले रहे थे, लोग हार्दिक भाई के मजे ले रहे थे, मीम पे मीम बना डाले हार्दिक भाई के लिए। हार्दिक पांड्या राइट नाउ आफ्टर वैंकी स्कोर्स एंड टेकिंग अ विकेट इन हिज फर्स्ट ओवर। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। हार्दिक पांड्या एंड कृणाल पांड्या आफ्टर सीइंग वेंकटेश अय्यर परफॉर्मेंस। अभी तो वाट लग जाएगी ना, वो दुर्गति हो जाएगी, दुर्गति। हार्दिक पांड्या आफ्टर वॉचिंग वेंकी टुडे इनिंग। तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? मुझे मार डाल, ले मैं मर गया। बेचारे हार्दिक भाई भी यही बोल रहे होंगे, मुझे क्यों तोड़ा। ईशान भाई क्या हो गया है आपको, इतना बुरा कब से खेलने लग गए आप, इतना बुरा तो कभी नहीं खेलते थे। वहाँ पर अंबानी चाचा छोटे अंबानी को चप्पल जूते से मार रहे होंगे, इस पागल की वजह से 15 करोड़ डूब गए मेरे। ओ चूना लगा दिया। जिस चीज का हमें काफी टाइम से इंतजार था, फाइनली वो देखने को मिला और वो था ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग। लेकिन भाई आए कब और गए कब पता ही नहीं चला। वेस्ट इंडीज के ओपनर इतना मरा हुआ खेलते थे भाई, खुद वेस्ट इंडीज वाले सो जाते होंगे, इसलिए वेस्ट इंडीज वालों ने डिसाइड किया इस बार हम कुछ अलग करेंगे और पहली बॉल से बॉल के 6 टुकड़े कर देंगे। निकोलस पुरन और रोमन पावल को तो भाई राक्षस घोषित कर देना चाहिए, इतनी बेरहमी से मारते हैं भाई। सच बोलूं तो मुझे तो बॉल पे तरस आने लगा है, बॉल की भी तो कुछ फीलिंग्स है, उसे भी तो समझो। वेस्ट इंडीज की बैटिंग के टाइम बॉल जमीन पे कम हवा में ज्यादा दिख रही थी, फील्डर फैन और अंपायर सभी के रिएक्शन कुछ ऐसे थे, ऐसा लग रहा था भाई पावर प्ले में ही मैच खत्म कर देंगे, बेचारे हमारे बॉलर्स यही बोल रहे थे। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।